सरकारी इलेक्शन के मद्देनजर अलग अलग पार्टियों के की तरफ से जलालाबाद में रैलियां कर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी लड़ी के अंतर्गत जलालाबाद की दाना मंडी में आज आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और पंजाब प्रधान भगवंत मान के की तरफ से एक जनसभा को संबोधित किया गया, जहां उन्होंने कांग्रेस और अकालियों पर निशाने साधे। वहीं उन्होंने लोगों को मतदान के लिए तैयार रहने की बात कही। इस मौके मीडिया के साथ बातचीत करते हुए सिमरनजीत सिंह बेस और हुई कार्यवाही को जायज ठहराया और साथ ही कहा कि शब्दों की मर्यादा किसी को भी पार नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि और भी कई एमएलए हैं, जैसे कि फाजिलका के दविंदर घुबाया जिसने महिला पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी की थी, लुधियाना से आशु जिन्होंने डीएसपी के साथ बदसलूकी की थी। सरकार को सभी पर ही पर्चा दर्ज करना चाहिए, परंतु कांग्रेस दोगली स्टैंडर्ड की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में माफिया का राज है, व्यापारी पंजाब को छोड़कर भाग रहा है, इंडस्ट्री पंजाब में से बाहर जा रही है। उनकी तरफ से शुरू की गई पंजाब बोलता है मुहिम के अंतर्गत पंजाब के अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों की मुश्किलें सुन रहे हैं। इसी लड़ी के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के की तरफ से आज जलालाबाद में एक जनसभा की गई है, जिसके में लोगों को बाय इलेक्शन के लिए तैयार रहने के लिए न्योता दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी की समिति की मीटिंग में जलालाबाद से किस कैंडिडेट को टिकट दे इसका फैसला किया जाएगा। अशोक महक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरबी लाइव मीडिया, जलालाबाद फाजिल। बोलता है नाम की एक मुहिम असी शुरू की हुई है, जिदे विच असी पंजाब दे मसले जिहड़े पंजाब चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे धियां पुत जिहड़े ने टीकियां नाल विन्ने पए ने, मेरा अन्नदाता जिहड़ा है वह खुदकुशियां कर रहा है, माफिया दा राज है, इत्थे व्यापारी जिहड़ा वह इत्थों भज रहा है, अपनी फैक्ट्रियां बाहर लेके जा रहा है, इत्थे बेरोजगारी जिहड़ी है, जां साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां जिहड़े ने उह आइलेट्स करके बाहरले मुल्कां नूं भज रहे ने। सो पंजाब बोलदा है ना मुहिम दे तहत अज जलालाबाद सी, परसों नूं खरड़ है। सो सारे पंजाब दे विच चाहांगे, सो इस सिलसिले च अज असीं जलालाबाद आए सी। जिम्मी चोण वी आ रही है तो वी लड़ांगे असीं। पहलां वी लोकां ने पिछली बार 2017 च 57,000 दे नेड़े वोटां पा के अपना प्यार दिखाया, बिना किसी लालच तों बिना किसी स्वार्थ तों। तो इत्थों इह सिद्ध हुंदा कि जलालाबाद दे लोक जिहड़े ने उह इहनां तों दुखी ने, इन्हां दी जिहड़ी 5 साल तू 5 साल मैं वाली जिहड़ी पॉलिटिक्स आ तो दुखी ने। सो जिमनी चोन की भी तैयारी है जी, उहदे वास्ते वी जलालाबाद हमेशा जिहड़ा उम्मीदवार है कोई भी पार्टी होवे बाहरों ही ज्यादातर हुंदा है। इस वारी तुसीं की कहिंदे हो आम आदमी नहीं, इहदे बारे कोर कमेटी दे विच फैसला होगा, मैं इहदे विच हुण नहीं दस सकदा, समय तों पहलां दी गल होगी, हजे तां नोटिफिकेशन भी नहीं जारी होया। सो कोर कमेटी दे विच मीटिंग होगी और जिहड़े जिहड़े भी साडे अहुदेदार मेहनत जिन्हां ने कीती है लोकल इत्थे भी सारे नाम विचारे जाणगे ते उस तों बाद फैसला होगा। देखो जिहड़े पब्लिक फिगर च जिहड़े पब्लिक डोमेन च लोक ने उन्हां दे विच थोड़ा जिहा ठम्मा इस गल्लों चाहिए कि देखो भावें IAS अफसर है IPS है, साडा रोज़ अफसरां नाल वाह पैंदा है, बहुत बारी सानू भी उन्हां नूं जिहड़ा ऑर्डर देने पैंदे जां उह साडी गल नहीं मनदे तां सानू इतराज़ करदे आ, पर उहदे विच भाषा जिहड़ी है उह अनपार्लीमेंटरी नहीं होनी चाहीदी, उहदे विच जिहड़ी भाषा दा प्रयोग कर रहे हां संयम के उत्ते कंट्रोल चाहिए जी। सर अमन अरोड़े पे आरोप लगाए गए हैं खेरा ग्रुप के नाल जुड़े हैं। नहीं नहीं कोई इस तरह की गल नहीं जी, इतना मैं मीडिया के किसी ग्रुप की बनाई हुई है, वो है साडे टीम के बड़े वधिया ते वफादार मैंबर ने और जिथे भी उन्होंने ड्यूटी लगी है भावें बिजली दे नाल संबंधित भावें उदू पहला इंडस्ट्री दे रहे सीगे विंग दे चेयरमैन जां वाइस प्रेजिडेंट रहे, जिथे जिथे भी ड्यूटी लगी है बखूबी निभा रहे ने। खैरा साहब उन्होंने पूरा साथ दे रहे हैं हैं जी, खैरा साहब रैस ब्रदर का पूरा साथ दे रहे हैं। तो फिर देणगे आपस जो इकट्ठे होकर लड़े सीगे जमानत जब तक इकट्ठे ने कराइया तो सारे काम इकट्ठे करनगे हुण। बिल्कुल सही होया या गलत होया? नहीं जी, ये तो हुण कानून दसूगा जी, कानून के मुताबिक परचा होया जी, ये तो हुण कोर्ट फैसला करूगी, ये तो असं कुछ कर नहीं सकते। हाँ पर इन्ना कह भी ये पहली घटना नहीं हैगी, बहुत बारी इदा होया कि बैंस साहब जिहड़े ने तलखी च आ जाते हैं। हालांकि मैं नहीं कहिंदा कि ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਇੱਥੋਂ ਘੁਬਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਚੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਡੈਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ IG ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋੜਨੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਢਾਈ ਪਿਛਲੇ 17 ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ।